और इस वक्त हालात क्या है जरा ये समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी काबुल से जातुल्ला अहमद जई इस वक्त जुड़ चुके हैं। जातुल्ला, सबसे पहले बताइए स्थितियां क्या है, क्योंकि यहां पर जो तालिबानी है उनके चेहरे पर खुशी जरूर दिख रही है क्योंकि अमेरिकी सेना जो है वहां से चली गई। क्या स्थानीय लोगों के चेहरे पर भी थोड़ी खुशी दिख रही है या खौफ? तालिबानों को चेहरे पर बहुत खुशी है क्योंकि वो इस दिन का इंतजार में थे, और जो उन्होंने इस लास्ट नाइट जो 3 बजे थे शब के, और उन्होंने इस हवाई फायरिंग के जश्न जश्न बनाए, और बहुत बहुत हवाई फायरिंग हुई है। उस इस डर की वजह से मेरे भी सारे फैमिली जो थे डर गए होगा खौफ से और उठ गए, क्योंकि उन्होंने डर गए कि इस क्या हाल है, कोई और जंग है और क्या है। और तालिबान इस वजह से बहुत खुश है जो कि यूएस का जो मिलिट्री मिशन था वो खत्म हो गई है, और तनहा इस काबुल सिटी में नहीं, ऑल अफगानिस्तान इस हवाई फायरिंग की वजह से लोग बहुत डर रहे थे, और लोगों ने कहा था सोशल मीडिया पर कि हवाई फायरिंग जो है उन्होंने कोई दूसरी तरीके से भी जश्न बनाए कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस जश्न के बहुत सारी हवाई फायरिंग हुई है, आम लोग बहुत डर गए हैं इसके वजह से। तो आम लोगों में जो डर है, जो दहशत है, वो देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि एक उम्मीद जरूर थी कि काबुल एयरपोर्ट से वो बाहर निकल सकते हैं, वहां से सुरक्षित जगह पर जा सकते हैं, लेकिन अब वो उम्मीद, वो आखिरी उम्मीद एक तरीके से कहें तो खत्म हो गई है। और वो आखिरी उम्मीद अब लोगों के पास किस तौर पर, इजातुल्ला, आप महसूस कर रहे हैं, और क्या उम्मीद लोगों में नजर आ रही है, और जो माहौल हम पहले देख रहे थे काबुल में, क्या वही माहौल अभी भी कायम है? क्योंकि तालिबान तो हमेशा कह रहा है कि नया तालिबान है, कुछ नया है, दहशत नहीं है, खौफ नहीं है, भारत से भी अपील कर रहा है, वो कुछ दिख रहा है वहां पर ऐसा? कहने पर के हालात शायद खूब हो सके, लेकिन अभी भी जो इस वक्त ऑल कंट्री में जो माहौल है ठीक नहीं है, आम लोग बहुत डर रहे हैं। तो लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, और वो कुछ कम अगर नहीं हुआ है तो वो है दहशत, वो है खौफ जो लोगों के मन में इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि तालिबान का जो खौफ लोगों ने देखा 20 साल पहले, वो खौफ अभी भी लोगों के मन में है, और वो हर बीतते दिन के साथ, हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता भी जा रहा है।